नमस्कार, आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ अंशु। रुक करते हैं खास खबरों की ओर। खगड़िया जिला के गोगरी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारिका प्रसाद शर्मा ने गोगरी प्रखंड क्षेत्र के तमाम जन वितरण प्रणाली को निर्देश देते हुए कहा, पॉश मशीन पर जितना भी अनाज है वो भौतिक रूप से विक्रेता के भंडार में मौजूद रहना चाहिए। अगर कहीं गड़बड़ी पाई गई तो कड़ी कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी को लिखा जाएगा। दूसरी बात, जन वितरण प्रणाली विक्रेता के खिलाफ किसी तरह की शिकायत आने पर भी कार्रवाई की जाएगी, इसलिए तमाम विक्रेता सही तरीके से लाभुकों के बीच राशन वितरण करें। और आपको ये भी बता दें कि आज दिनांक 28 मई को जमालपुर गोगरी में चंपा कुमारी, भोला प्रसाद शाह, बननी में अशोक कुमार, फतेहपुर में धीरज कुमार, झिपटिया में संजय कुमार यादव, मैरा में विनय कुमार सिंह, फुदकीचक में लालधारी महतो, इटहरी में मनोज कुमार सिंह एवं बोरना में राजीव रंजन ने लाभुकों के बीच चावल मुफ्त वितरण किया। साथ ही वैसे राशन कार्ड धारी जिनका राशन कार्ड इस माह किसी कारण बंद हो गया है, वैसे लोग अपने संबंधित डीलर के यहां से फॉर्म लेकर फॉर्म भरें और कार्ड में अंकित लोगों का आधार कार्ड का फोटो कॉपी संलग्न कर डीलर के यहां जमा कर दें, अन्यथा बाद में फिर बंद राशन कार्ड चालू नहीं हो पाएगा। सब एडिटर बिहार एन कुमार। अभी राशन मिल रहा है? हाँ, हमरा मिल गए, हमरे 900 कार्ड जी। फ्री में की दल के अपने का? फ्री में चावल। चावल दल के ना? हाँ। पूरा दलन छे? हाँ, पूरा हमरा सब चीज मिल गए। कोई कमी उमी नहीं? ना नहीं, कोई कमी नहीं। कोई शिकायत नहीं छे? कोई शिकायत नहीं हमरा। चलिए ठीक। तो ये थे फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी। नमस्कार।